रायपुर की, जहां पर चुनावी प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बात करते हुए मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 9.5 वर्ष में एनडीए और बीजेपी की सरकार की ओर से एक शब्द का हमेशा इस्तेमाल किया गया, डोले वाला राष्ट्रवाद, लेकिन एक छोटे से देश कतर एनडीए भारत सरकार की हवा निकाल दी। कतर ने नौसेना के 8 अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी। ये सैनिक अगस्त 2022 में कतर में हिरासत में ली गए थे। सैनिकों की रिहाई के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बीजेपी शासनकाल में 3 में से बढ़कर 14 जिलों में फैल गया। कांग्रेस सरकार ने 2018 से इस समस्या पर विकास के माध्यम से काबू पाने का प्रयास किया है। साढ़े नौ वर्ष में एनडीए भाजपा सरकार की तरफ से एक शब्द निरंतर और लगातार सुनने को मिलता रहा है, मस्कुलर नेशनलिज्म, जिसका हिंदी में तर्जुमा होगा डोले वाला राष्ट्रवाद। मैं कोशिश कर रहा था कि कोई शब्द मिल जाए, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब परिस्थितियां जटिल हो जाती हैं तो ये मस्कुलर नेशनलिज्म कहीं पर दिखाई नहीं। आज एक छोटे से मुल्क कतर में भारत के 8 सेवानिवृत्त जो नौसेना के उच्च अधिकारी